हेलो स्टूडेंट्स हार्टी वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यू जी सी नेट एंड सेंटर एग्जाम चैनल प्लीज़ लेट मी नो इफ योर वॉइस इज ऑडिबल एंड ऑल्सो लेट मी इफ यू कैन स्टार्ट विद द सेशन सो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस है तो यहाँ पे सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल ने आपके फेज़ टू वाले स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू बैच लॉन्च किया है स्टूडेंट्स जो सिक्सटीन ऑफ अगस्त से स्टार्ट होने वाला है इस बैच की ये खासियत है कि हम आपका एंटायर सिलेबस हमारे लेक्चर्स के थ्रू कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स होंगे नोट्स आपको मिलेंगे टेन ईर्स क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें हम आपको ऐड करेंगे अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं फ़ीस थर्टी फाइव हंड्रेड है पर वो स्टूडेंट जो फिफ्टीन ऑफ अगस्त तक ज्वाइन करते हैं यानी सिक्सटीन अगस्त से पहले तो वहाँ पर हम आपको थर्टी ऑफ देंगे और आफ्टर डिस्काउंट फीसज टू तो यहाँ पे अगर आप हमारे इस कोर्स से पढ़ते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आप इजीली सेवेंटी फाइव प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं पेपर वन में जिससे आपके एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे साथ ही स्टूडेंट्स हमारे पास यू जी नेट पेपर टू के लिए भी नोट्स एंड एम अवेलेबल है फॉर मैनेजमेंट इकनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस कॉमर्स हिस्ट्री सोशलोजी साइकोलॉजी फ़िलासफी ये सारे ही सब्जेक्ट के लिए नोट्स एंड एम अवेलेबल है फ़ीस फिफ्टीन हंड्रेड एंड गारंटी आप थर्टी ऑफ दे रहे हैं आफ्टर डिस्काउंट फीस इज वन जीरो फाइव जीरो ओनली तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं ये पूरा कंटेंट पी डी एफ फॉर्मेट में है तो पेमेंट के बाद तुरंत ही आपको सारा ही कंटेंट व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन इज डिडक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम तो लॉजिकल रीजनिंग में आप जाते हैं रीजनिंग दो टाइप की है यहाँ पर होती है एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग और एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग जब भी डिडक्टिव वर्ड आए तो याद रखिएगा डी जी पी और इंडक्टिव के लिए रखिएगा आई तो डिडक्टिव रीजनिंग प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर तो जनरल को आप यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लैनेट्स आर बिग देयर फॉर द आइटम्स फ्रॉम विच दे आर मेड आर बिग तो दिस इंफ्रेंस कमिट्स विच काइंडलेसी तो यहाँ पे किस तरीके की फैलिसी हो रही है फैलेसी ऑफ डिविजन हो रही है फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी इक्वेवोकेशन या एड पॉपुलम ओके जल्दी से आंसर करिए यहाँ पे स्टूडेंट्स एक फैलसी हो रही है हम बोल रहे हैं कि प्लैनेट्स बहुत बड़े होते हैं तो वो जिन एटम से मिलके बड़े होते हैं वो भी बहुत बड़े होंगे तो यहाँ पे क्या है ये एक तरीके की स्टूडेंट्स फैलेसी है इसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ डिविजन यानी कई कई बार कोई चीज़ जो होल पे अप्लाई होती है ज़रूरी नहीं है कि वो उसके पार्ट पे भी अप्लाइड हो ठीक है जैसे अगर मैं कहूँ इंडिया का फेवरेट स्पोर्ट है क्या क्रिकेट हम सभी जानते हैं इंडिया का फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट है तो अगर मैं बोलूँ हरीश इज इंडियन हिज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट तो ये गलत स्टेटमेंट है क्यों क्योंकि इंडिया In, में मोर देन वन थर्टी फाइव क्रोर पीपल है ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन का फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट हो देर आर चांसेस कई लोग ऐसे हो जिनका फेवरेट स्पोर्ट कुछ और हो तो ये क्या है फैलेसी ऑफ डिविज़न अगर पूरे कंट्री का फेवरेट स्पोर्ट अगर क्रिकेट है तो हम ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि हर एक इंडिविजुअल का भी वही हो तो ये क्या हो गया फैलेसी ऑफ डिवीजन ठीक है फैलिस ऑफ एम्बिग्विटी का मतलब ये होता है जब अनकलियर फ्रेज हो ठीक है स्टूडेंट क्या हो अनकलीयर फ्रेज हो यानी सेंटेंस क्लियर नहीं हो इक्विवोकेशन तब होता है जब कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, जिसका सेम मीनिंग होके कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है वो हो गया फैलीसी ऑफ इक्विवोकेशन फिर होता है एड पॉप्युल इसका मतलब है कि वो चीज जो मेजोरिटी ऑफ पीपल करें जरूरी नहीं है वो सच हो ओके okay? तो ये होता है एट पॉपुलर फैलिसी अगर मैं कहूँ कि ओके okay, सब लोग आईफोन खरीद रहे तो मुझे भी आईफोन खरीदना चाहिए तो ये गलत है स्टूडेंट्स हमको सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग अपनी, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग करनी चाहिए नॉट बिकॉज सारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये होगी फैलेसी ऑफ या एड है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सेंटेंस सम मैन आर नॉट मैरिड ठीक है यहां पे क्या है ऑप्शन है सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड या नाइदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड सम मैन आर नॉट मारेड यहां पे आपको बताना है कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन सा टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है ओके okay? तो देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है कुछ ऐसी चीज़ ए ई आई एंड ओ तो जो ए सेंटेंसेस होते हैं जैसे ऑल डॉग्स आर कैट या ऑल एस एस पी वहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हो या प्रेडिकेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से सब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है अब मैं बोलती हूँ नो डॉग्स आर कैट्स तो ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है सब्जेक्ट सॉरी ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि हम सारे डॉग्स के बारे में कह रहे हैं और सारे कैट्स के बारे में कह रहे हैं अब मैं बोलती हूँ सम डॉग्स आर कैट तो सम आ गया तो सम मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड फिर सम डॉग्स आर नॉट कैट तो वहाँ पे एक हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड और दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड तो यह यहाँ पे कौन सा सेंटेंसेस है सम मैन आर नॉट मैरिड ये कौन सा सेंटेंस है ओ टाइप ऑफ सेंटेंस है यहां पे क्या हो गया आपका सब्जेक्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड तो बी आंसर होगा इसका ओके स्टूडेंट्स ये टेबल आपको याद रखना है एग्जाम में डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट हम देखते हैं हैव यू स्टॉप टेलिंग लाइज विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कमेंट्स विच काइंड ऑफ फैलिसी तो यहाँ पे कौन सी फैलिसी का इस्तेमाल हो रहा है तो फैलिसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एम्बिक्विटी इक्वेशन या एक्सीडेंट डेफिनेटली आपको ये देखते क्वेश्चन का आंसर बता होना चाहिए यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसको कहते, कि वो पहले से झूठ बोलता था ओके okay? अगर इसका आंसर है अगर अगर आप किसी से पूछते होलिंग लाइज अगर वो बोले yes, इसका मतलब है कि वो पहले झूठ बोलता था अगर वो पर्सन इसका आंसर नो no बोले कि अगर मैं किसी से पूछू यू स्टॉप टेलिंग लाइज वो बोलता है नो no, तो इसका मतलब है वो अभी भी झूठ बोलता है तो इसका इसका आंसर चाहे येस दो या चाहे नो no दो वो इंसान फंस जाएगा तो ये क्या है ये है फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ठीक है एम्बिगुटी तो बताया था मैंने आपको अनक्लियर एक्सप्रेशन इक्वीवोकेशन होता है वो वर्ड जिसके सिमिलर मीनिंग हो फॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट वो चीज होती है वो चीज जो मेजोरिटी ऑफ लोग करते हैं सॉरी ऑफ एक्सीडेंट का मतलब होता है कि कुछ चीजें हैं जो थम रूल फॉलो करती नहीं जैसे मैं बोलू ऑल बर्ड्स फ्लाई ओके फिर मैं बोलती हूँ पेंगुइन पेंग्विन पेंग्विन फ्लाई तो ये गलत है ना स्टूडेंट हमको पता है कि सारी बर्ड्स उठती है पर एक्सेप्शंस भी कोई चीज़ होती है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें एक्सेप्शन को फॉलो करती हैं तो पेंगुइंस भी बर्ड्स हैं पर वो उड़ती नहीं है तो ये होता है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट कुछ चीज़ें जो नॉर्मल कन्वेंशन फॉलो नहीं करती हैं नेक्स्ट लेटर इन द लॉजिकल पैटर्न ओ टी टी एफ एफ एस एस ई एन डैश इज आपको नेक्स्ट टर्म बताना है जल्दी से बताइए व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन दिस लॉजिकल पैटर्न ओ टी टी एफ व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहां पे यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है थोड़ा अलग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ओ का मतलब यहाँ पे होगा वन वन की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है टू की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है थ्री की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है ये हुआ फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये हुआ टेन टेन की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है तो यहाँ पे आपका राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी ओके Uh, इतने स्टूडेंट्स लाइव हैं बट मैं बहुत कन्फ्यूज uh, हूँ कि आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे गमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स आंसर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इससे समझ में आता है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की आंसर ज़रूर करिए एज फादर हैज़ फाइव फाइव सन्स नेम ऑफ फोर सन्स आर एम ओ क्यू एस वॉट इज द नेम ऑफ फिफ्थ सन अब मैं बोल रही हूँ ए एक पर्सन है उनके फादर हैं अब उनके फादर है उनके फाइव हैं है तो उनमें से फोर है एम ओ क्यू एंड एस तो वॉट इज द नेम ऑफ फिफ्थ सन तो ए हुआ उनका फिफ्थ सन क्योंकि मैं बोलूं ए के फादर के फाइव सन्स है ओके okay. ओके मैच लिस्ट लिस्ट विद उ फ्लिच बेल चाइम नाइफ कट फार्मर्स क्रॉप पेयर ऑफ एनोलॉजीज ठीक है तो देखिए नाइफ क्या करती है कट करती है और स्वॉर्ड क्या करती है स्लॉटर ओके okay. बेल चाइम करती है और फार थंडर रोर करता है फार्मर्स क्या क्रॉप उगाता है डेयरी फार्मर मिल्क से डील करता है आउल फ्लै फ्लाई और स्नेक क्रॉल करता है तो इसका आंसर क्या होगा ये हुआ आपका टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन ये डी होगा इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल लुकिंग एट द सेंटर ओके अगर मैं फर्स्ट वाला ड्रॉ करती हूँ ए बी सी आर स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए तो ये अगर ए हुआ तो बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए and C is then C is to the right of right of B. Okay. agar ये A है, A के left में B है, ठीक है? ए के लेफ्ट में बी है तो सी इज जस्ट राइट ऑफ बी तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया अगर ए के लेफ्ट में बी है तो बी के राइट right में कौन होगा ए होगा तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया अब हम सेकेंड देखते हैं एक्स वाई जेड आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल लुकिंग एट द सेंटर एक्स इज जस्ट राइट ऑफ वाई एक्स जो है वाई के राइट हैंड साइड में है देन जेड इज टू द राइट ऑफ एक्स यस yes, ये तो स्टेटमेंट सही हो रहा है ये गलत हो रहा है और ये सही हो रहा है तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट वन इज फॉर स्टेटमेंट टू इज ट्रू नेक्स्ट इज फ्रैट कृष्णदत्ता ईट्स ड्यूरिंग द डे और नाइट ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे देर फॉर ही इट्स ड्यूरिंग नाइट द अब एग्जाम्पल स कंपेरिजन वर्बल टेस्टमोनी इम्प्लीकेशन तो फैट कृष्ण दत्ता है वो नाइटर तो दिन में खाना वो या तो दिन में खाना खाता है या रात में खाना खाता है ईट डज़ नॉट ईट ड्यूरिंग द डे तो वो रात में ही खाना खाता होगा इसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन स्टूडेंट ये जो कृष्ण दत्ता या देवदत्ता वाला एग्जाम्पल है ना स्टूडेंट ये एग्ज़ैम में आपको आता ही है याद रखिएगा ये आता ही है और इसका आंसर है अर्थपट्टी ओके इसका आंसर है अर्थपट्टी हर बार ये आता है तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड बी प्ले फुटबॉल क्रिकेट एंड हॉकी तो ये एक थोड़ा सा लम्बा क्वेश्चन है मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके बताती हूँ ए बी सी डी ठीक है ए एंड बी प्ले फुटबॉल क्रिकेट हॉकी फुटबॉल क्रिकेट हॉकी बी एंड सी प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन हॉकी एंड बैडमिंटन हॉकी एंड बैडमिंटन सी एंड डी प्ले बैडमिंटन एंड टेनिस ओके बैडमिंटन एंड टेनिस बैडमिंटन एंड टेनिस D and A play football cricket and tennis football cricket and tennis football cricket and tennis okay find out the answer among the following ठीक है तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स सी डज नॉट प्ले क्रिकेट सी क्रिकेट नहीं खेलता यस दिस इज ट्रू सी क्रिकेट नहीं खेलता बी एंड डी बोथ प्ले टेनिस बी एंड डी बोथ प्ले टेनिस

तो ये भी करेक्ट है तो ए डी ई इज करेक्ट यानी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है ठीक -E है ए डी ई आपका करेक्ट है नेक्स्ट हम देखते हैं विच वॉट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज यू ओ आई डैश ए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा ये आपने वावल्स पढ़े इंग्लिश में ए आई ओ यू तो यहाँ पे ए यहाँ पे ई e आएगा ठीक है तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा नेक्स्ट हम देखते इफ डे बिफोर येस्टरडे वो फ्राइडे यानी आज ये टुडे वाला मान लेते हैं ठीक है ये डे बिफोर येस्टरडे तो ये हुआ आपका फ्राइडे वॉट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टमोरो तो ये टुमारो ये डे आफ्टर टमोरो उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड डे आफ्टर डे आफ्टर टुमारो तो ये हो गया डे आफ्टर टुमारो इसके बाद थर्ड डे फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो ये फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्राइडे ठीक है ठीक है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से करिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं लिजर्ड क्या है एक तरीके के रेप्टाइल है और ईगल क्या है ईगल बर्ड है ओके टेनिस आप कोर्ट में खेलते हैं स्केटिंग रिंक में होती है बुल काउ मेल फीमेल है विजर्ड और विच जादूगर जादूगर नहीं ये मेल फीमेल है बॉटनी प्लांट से रिलेटेड है और हीमोग्लोबिन ब्लड से रिलेटेड है तो यहाँ पे आंसर होगा थ्री वन फोर टू थ्री वन फोर टू ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्ड वन आउट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस वन फाइव फोर्टीन थर्टी फिफ्टीन नाइन्टी वन फाइंड द ऑर्ड वन आउट यहाँ पे देखिए वन या इसको हम वन कर देते हैं फाइव फोर्टीन थर्टी फिफ्टी नाइन्टी वन ओके यहाँ पे फोर का डिफरेंस है यहाँ पे नाइन का डिफरेंस है यहाँ पे सिक्सटीन का डिफरेंस है ये फोर क्या होगा ये टू का स्क्वायर है ये थ्री का स्क्वायर है ये फोर का स्क्वायर है तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव होना चाहिए स्टूडेंट्स ओके okay? तो जब यहाँ पे ये फ़िफ्टी फाइव अगर होता तो थर्टी सिक्स मिल के फिफ्टी फाइव और थर्टी सिक्स मिल के क्या बनते नाइन्टी वन ये फाइव का स्क्वायर होता है ये सिक्स का स्क्वायर होता तो गलत नाम टर्म क्या है फिफ्टी इज द ऑड टर्म क्यों क्योंकि मैंने कैसे सॉल्व किया इसको मैंने देखा डिफरेंस क्या है नंबर्स के बीच तो देखिए पहले में फोर है फिर नाइन है फिर सिक्सटीन है फिर यहाँ पे मुझे लगा ओके ये तो स्क्वायर बन रहा है ये टू का स्क्वायर है ये थ्री का स्क्वायर है ये फोर का स्क्वायर है तो यहाँ पे फाइव का स्क्वायर आएगा फिर मैंने जब फाइव का स्क्वायर यहाँ लिख के देखा तो अगर मैं फिफ्टी की जगह फिफ्टी फाइव फाइव लिखू तो आपका आंसर सही आ रहा है यानी सीरीज सही बन रही है उपनाया इन in इंडियन सिलोजिज्म करस्पॉन्ड्स टू एरेस्टोटलियन माइनर प्रमाइस यानी इंडियन उपनाय जो हमारे न्याय सिलोजिज्म में है आपने फून पढ़ा है ना प्रतिजिना हेतु उपनाया उदाहरणा निगमना ये एरिस्टॉटल का क्या है माइनर प्रमाइस है बी इज़ द आंसर हियर नेक्स्ट फायर इज नॉट वॉर्म बिकॉज इट इज प्रोड्यूस सच एज बॉटर तो यहां पे कौन सी फैलेसी हो रही है फायर इज नॉट वॉर्म तो यहाँ पे जो फैलेसी हो रही है स्टूडेंट्स उसका नाम है बाधित फैलेसी ठीक है ये बाधित बाधित अगर कभी भी आए स्टूडेंट्स आपको याद रखना है या मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ अगर कभी भी बोला जाए फायर इज कोल्ड या आइस इज हॉट तो ये क्या है आपको दूसरे प्रमाणा से पता है कि फायर कोल्ड हो ही नहीं सकती और आपको ये भी पता है कि आइस हॉट हो ही नहीं सकती तो कोई भी अगर मैं आपको उसका लॉजिक दे दूं वो लॉजिक फेल हो जाएगा क्योंकि एक दूसरा प्रमाण उस पर ओवरटेक कर रहा है यानी हमको हमारे कॉमन लॉजिक से पता है कि फायर इज नॉट अगर कोई बोलता है फायर इज नॉट वॉर्म यानी फायर गर्म नहीं होती तो ये क्या है ये तो गलत स्टेटमेंट है तो ये होती है बाधित फैलिसी द नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट नेम एंड एन ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाई दैट नेम इज कॉल्ड वर्बर टेस्टिमनी इम्प्लीकेशन इन्फेरेंस या कम्पेरिजन तो यहाँ पे वो नॉलेज जो रिलेशनशिप बताती है किसी ऑब्जेक्ट के नाम में या ऑब्जेक्ट में उसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल हैज़ नॉट एक्सेप्टेड अनुमाना एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज में अनुमाना अनुमाना को किसने किस स्कूल ने अनुमाना को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं माना है तो यहाँ से चरवाग स्कूल ये होते हैं आपके हेट्रोडॉक्स बाकी देखिए आपके दो टाइप के स्कूल होते हैं एक होता है आपके ऑर्थोडॉक्स जो वेदास में वे बिलीव करते हैं और हेट्रोडॉक्स जो वेदास में बिलीव नहीं करते हैं हेट्रोडॉक्स में आता है आपका बुद्धिज्म जैनिज्म और चरवाग ऑर्थोडॉक्स में आता है आपका न्याय वेदा वैशिष्का ओके उत्तर में पूर्व में मांसा संख्या ये सारे आते हैं आपके वैशिष्का ये सारे ही आपके ऑर्थोडॉक्स में आते हैं और ये चार्वाक जो होते हैं ये अनुमाना को एक्सेप्ट नहीं करते हैं नेक्स्ट इज द पॉन्ड द वॉटर ऑफ द पॉन्ड इज मडी इट माइट हैव रेन लास्ट नाइट व्हाट काइंड ऑफ अनुमाना हैज बीन यूज्ड इन द अबव स्टेटमेंट यानी अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसी सिचुएशन को देख के यानी मैंने क्या देखा है मडी वाटर को मैंने देख के अज्यूम किया है कि लास्ट नाइट यानी उससे पहले रेन हुई होगी तो इसको हम कहते हैं हम कहते हैं इसको पूर्ववत यानी प्रायर हुई हुई सिचुएशन को प्रायर होने वाली सिचुएशन को अगर हम इमेजिन करते हैं और उसे inference निकालते हैं तो 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 उसको कहते हैं। जो भी आपके ना वो प्रत्यक्षा को तो accept करेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको हेट्रोडॉक्स के बारे में बताया हेट्रोडॉक्स पूर्व होते हैं जो वेदास में बिलीव नहीं करते उसमें आता है बुद्धिज्म चर्वाक एंड और ये ये सारे के सारे ये तीनों ही प्रत्यक्ष प्रमाणा पे बिलीव करते हैं इफ pencil. are pencils, बट नो पेंसिल इज अ शार्पनर नो पेंसिल इज अ शार्पनर

यहां पे देखिए स्टूडेंट्स इट यहां इसका आंसर एक्चुअली सी होना चाहिए यहाँ पे सॉरी इसका आंसर एक्चुअली ये होना चाहिए यहाँ पे ए डी ओके यस करेक्ट है स्टूडेंट इसका आंसर है ऑप्शन ए एंड डी ओनली ओके यहाँ पे इसका आंसर डी होगा As of now, let's take this uh, answer as A and D. Okay. Now we will meet tomorrow at the same time with more questions on mathematical, logical, and DI. See you.